यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यूपीएससी चयनित आईएएस आईपीएस टॉपर्स द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला में बेहतर टिप्स दिए गए, साथ भिलाई टॉक के माध्यम से उन्होंने अपने सुझाव साझा किए। जिला प्रशासन एवं नगर निगम भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला भिलाई टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देने यूपीएससी चयनित आईएएस आईपीएस टॉपर्स ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर टिप्स दिए और अपने पूरे अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर यूपीएससी चयनित अनुभवी अभिषेक चतुर्वेदी, अंशिका जैन, आईएएस प्रखर चंद्राकर व आईपीएस आकाश कुमार सहित अन्य लोगों ने उपस्थित स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर कार्यशाला में शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर नीरज पाल, दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य आईएएस अधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। जो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए आज भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन दुर्ग ने भिलाई टॉक्स नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें यूपीएससी 2021 और 2022 की परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो टॉपर्स हैं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के, जो अलग अलग सेवाओं में भी अभी चयनित हुए हैं, उनको आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कि जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके सभी डाउट्स क्लियर करें, उनको एक मार्गदर्शन दें, प्रेरणा दें कि किस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है। हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य से ज़्यादा लोगों का चयन अखिल भारतीय सेवाओं में और केंद्रीय सेवाओं में हो। हमारे कुछ एक जो टॉपर्स हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं, स्पेशली हमारे एक डांगी जी हैं जो हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं 2021 में, वो मध्य प्रदेश से आए हैं ताकि हिंदी मीडियम के जो हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी मार्गदर्शन मिल पाए। भिलाई नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छा एक पहल लिया गया है, जिसमें जो भी लोग यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सेशन रखा गया है, सेमिनार रखा गया है। इसमें जो अभी रिसेंटली जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाया गया है। तो इससे क्या है, जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी तैयारी करने वालों के मन में डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट हैंड उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तैयारी में क्या क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए, जो यहाँ के लोकल तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत काम आएगा ये चीज़। और मुझे लगता है कि अधिकारियों को अपने बीच देख करके थोड़ा मोटिवेशन भी फील होगा। तो इस इनिशिएटिव का मैं बहुत मतलब प्रशंसा करता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स आगे भी होते रहने चाहिए। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके पास समान संभावनाएं होती हैं, बराबरी का मौका रहता है। हमारे बीच आज एक अधिकारी आए हैं जो कि हिंदी मीडियम से टॉप भी किए हुए हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है, निरंतर पढ़ाई करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें तो परीक्षा निकल ही जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से। जब भिलाई नगर निगम का बजट हम लोगों ने दिया था शहर के लिए, उस बजट में हम लोगों ने शहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेते हैं उन लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी एक कार्यक्रम का उल्लेख किया था उस बजट बुक में। उसी के रूपरेखा के अनुसार आज इसकी शुरुआत हुई है। आज यहाँ पर यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें देश से, प्रदेश से टॉपर जो हैं आईएएस आईपीएस, वो आकर यहाँ पे बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पिछले दिनों में आप देखेंगे कि और भी इस तरह के सेमिनार्स हम अलग अलग जगह आयोजित करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, संबंधित फील्ड के जो टॉपर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे मोटिवेशन के लिए हम उनको आमंत्रित करेंगे और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन लगातार भिलाई नगर निगम की तरफ से जिला प्रशासन की मदद लेकर करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विशेषकर हमारे नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके नेतृत्व में उनके टीम जो हैं, लक्ष्मण तिवारी जी हैं, शशि सिंह जी हैं, इन सब ने हमारे नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर इस बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम का आज यहां आयोजन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।